नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विट्रीफाइड फ्लोरिंग, विट्रीफाइड टाइप का फ्लोरिंग कैसे करते हैं। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये लेवल उठाते हैं, या पाइप लेवल देख सकते हैं या फिर ट्यूब लेवल देख सकते हैं। यहाँ जो एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग है उससे इस फ्लोरिंग को मैच करना है, तो उसका लेवल उठाया है, वही लेवल पूरे एरिया में ये घुमा रहे हैं। ये पूरा डस्ट फैलाया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं बेस। और वो अभी लेवल ट्यूब उठाने के बाद में इसको एक प्रॉपर ठिया लेते हैं, इसको एक मेजरमेंट या फिर ठिया बोलते हैं, ठिया लेते हैं। ठिया मतलब वो टाइल का बेस हो गया, ये बेस के हिसाब से पूरे टाइल बैठाते हैं। ये हम देख सकते हैं हर जगह ऐसे ठिया लेते हैं। अब बाद में बीच में जो डस्ट है उसको पूरा लेवल करते हैं। आप देख सकते हैं टिया ले रहे हैं। यहाँ पहले पुराना दूसरा टाइल्स था, वो टाइल्स तोड़ करके विट्रीफाइड टाइल बैठा रहे हैं। आप देख सकते हैं विट्रीफाइड टाइल जो बैठा रहे हैं उसका साइज है इधर 2 फीट बाय 2 फीट का है। ये देखिए पूरा ठिया लेने के बाद में वो एल्यूमिनियम पट्टी से उसको लेवल करते हैं। ये एल्यूमिनियम पट्टी आप देख रहे हैं, उससे पूरा ठिया को लेवल करते हैं, पूरा डस्ट को लेवल करते हैं और ठिया को सबको मैच कर देते हैं ताकि वो टाइल्स का बेस तैयार हो जाता है। ये टाइल लगाते समय सबसे इम्पोर्टेंट है ये लेवल प्रॉपर लेना और उसका ठिया प्रॉपर करना। ये देखिए पूरा डस्ट वो फैला रहे हैं। सबसे पहले जो दीवार के साइड में है वहाँ ठिया लगा लेते हैं और वो ठिया वहाँ से पूरा डस्ट को लेवल कर देते हैं और बाद में वही सेंटर में भी लेते हैं। एक बार आपका आउटर एज फाइनल हो गया तो फिर सेंटर का लेवल लेने में बहुत आसानी होती है। ये देख सकते हैं आप, ये लेवल कर रहे हैं, ये विट्रीफाइड टाइल बैठा रहे हैं। ये 2 बाय 2 फीट का साइज का है। ये पूरा डस्ट का लेवल होने के बाद में सीमेंट और पानी का मिक्सचर है, ये सीमेंट पानी उसमें पूरा उसके डस्ट के ऊपर डाल देते हैं, बाद में उसको थोड़ा सा रफ करते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली सीमेंट पानी डालने के बाद में उसके ऊपर टाइल बैठाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये टाइल बैठाते समय उसका जॉइंट्स प्रॉपर मिलना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए टाइल बैठा रहे हैं।
उसको हथौड़ी से वो लकड़ी से थोड़ा ठोक करके उसको प्रॉपरली बैठा रहे हैं। ट्रिपल टाइल के साइज अलग अलग आते हैं, जैसे 2 फीट बाय 2 फीट आता है, 4 फीट बाय 2 फीट भी आता है। ये कॉर्नर थोड़ा साइड के जो दीवारें है वो थोड़ी टेढ़ी है, तो उसलिए उसके उस हिसाब से कटिंग करके टाइल्स को बैठाया जाता है। ये आप देख सकते हैं टाइल्स बैठाने का तरीका। पुराने जमाने में रिवर सैंड यूज करते थे, लेकिन अभी डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 बाय 2 का जो विट्रीबल टाइल है उसका थिकनेस 8 mm का है। ये एक बॉक्स पे 4 टाइल आते हैं 2 बाय 2 के, और बॉक्स के हिसाब से आप दुकान से परचेस कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्स में 4 टाइल मतलब 2 बाय 2 के 4 मतलब 16 square feet आएंगे, तो आपको अगर क्वांटिटी निकालना है तो पूरा एरिया निकालना है, एरिया कितना स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से वो बॉक्स निकाल सकते हैं आप। मतलब एक बॉक्स में 16 square feet है, 4 टाइल है, तो एरिया डिवाइडेड बाय 16, तो उसके हिसाब से उतने बॉक्स आपको आएंगे। इसमें वेस्टेज भी रहता है, वेस्टेज को भी कंसिडर करना पड़ता है। जनरली 5% वेस्टेज तो आता ही है, तो उसके हिसाब से टाइल्स मंगाना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी टाइल्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, कौन कौन से टाइल्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अभी आई बटन में शेयर करूँगा। ये देखिए अभी पूरा टाइल बैठाया है, टाइल बैठाने के बाद में पूरा साफ सफाई कर रहे हैं। ये देखिए अभी टाइल बैठाने के बाद पूरा क्लीन करने के बाद इसको प्रॉपर जॉइंट चेक करते हैं एक बार, मतलब कौन कौन सा जॉइंट ऊपर कुछ उठा है कुछ नीचे है, तो उसको प्रॉपरली एकदम लेवल करते हैं। ईंट वगैरह कुछ वज़नदार चीज़ रख करके उसको प्रॉपर सेट करते हैं, मतलब उसको एक लेवल कर देते हैं। कहीं कहीं जगह टाइल उठा रहता है बैठा रहता है, तो उसको ईंट वगैरह डाल के उसको प्रॉपर लेवल करते हैं। इसके बाद में ये स्कर्टिंग का काम कर रहे हैं। ये देखिए साइड में स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग जनरली 4 इंच या 3 इंच 3 इंच का ही होता है। ये आप देख सकते हैं ये देखिए पूरा होने के बाद ये कैसा दिख रहा है पूरा टाइल्स और स्कर्टिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके बाद में ये जो जॉइंट्स है इसमें वाइट सीमेंट भरते हैं, पूरा सांदा भरते हैं बोलते हैं उसको, पूरा जॉइंट में वाइट सीमेंट भर के बाद में कपड़ा से उसको पोंछते हैं।
अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए पूरा वाइट सीमेंट भरा हुआ है, बाद में वो कपड़ा से पोछते हैं ताकि इसके जॉइंट्स प्रॉपर दिख सके। ये देखिए ये पोछ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए अभी पूरा होने के बाद कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।